तो आप सिर्फ स्माइल करते रहेंगे, हंसते रहेंगे और हाँ कुछ अच्छी बातें सीखते रहेंगे वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे ऐसे ऐसे लोग हैं जैसे श्रीकांत सर हैं, विद्या मैम है उनकी वाइफ, हिमालय सर हैं, भाग्यश्री मैम हैं, तो ये मतलब सबके अलग 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 जर्नी रही है उनकी अपनी लाइफ की और प्यार वाली लाइफ है। तो वो ना अपने को भी देख के ऐसा लगता है कि काश हम भी ऐसे, या आगे चल के हमको ऐसा होना है, ऐसा बनना है। और वहीं पे एक होता ना कि लाइक प्यार में जो नोकझोंक होती हैं और वो हर जगह है, वो हर जगह होती है ये सारी चीज़ें। लेकिन जो गेम खिलाते हैं हम 10 कपल के बीच में, और देखो हर एक कोई चाहता है गेम जीतना, लेकिन गेम को ऐसा नहीं है कि जीत जाऊंगा तो मैं ऐसा वैसा, बट एक वहाँ पे जिस हिसाब का माहौल क्रिएट कर रखा है ना, ये लोग बहुत चालाक हैं स्मार्ट जोड़ी वाले, इन लोगों ने ना सेलिब्रिटी को एकदम बंदर बना दिया है वहाँ पे। आप कोई भी गेम होगा ना उसको जीतने के लिए बच्चों से हरकत कर रहे हैं, तो इसलिए ना पब्लिक को ज़्यादा अच्छा लग रहा है, क्योंकि एक सेलिब्रिटी ना सेलिब्रिटी नहीं है वहाँ पे, वो एक बच्चा भी है, एक सब कुछ है। और उसके ऊपर हम लोग मुझे ऐसा लगता है कि हम पहली बार हमारी जो जर्नी रही है, जो हमारी जो रिलेशनशिप है उसको भी हम आप लोगों के सामने इस शो के थ्रू ला पा रहे हैं, जो शायद हम कभी बोल नहीं पाते। सो दैट्स सो इंटरेस्टिंग। तो और सबका स्टोरी सुन के ऐसा लग रहा है जैसे सच में हम लोगों को कितने स्टोरीज सुनने को मिल रहा है, सो इट्स रियली इंटरेस्टिंग। नो नो, हाँ अगर कंपटीशन की बात आ जाती है तो कौन ज़्यादा सीरियसली लेता है आप दोनों में से जीतने को लेकर? मैं तो नर्वस हो जाती हूँ। मैं देखो मुझे लगता है कि सीरियस मैं लेता हूँ अंदर से, हाँ फन वे में रखता हूँ मैं सारी चीज को, कि बट हाँ मुझे जीतना अच्छा लगता है और मैं जीतता भी आया हूँ ना शायद, लकली मैं जीता भी हूँ। अरे ये क्वेश्चन दूसरों से पूछो, हो सकता सब मेरा नाम ले एक साथ, बट ऐसा नहीं है दोस्तों। आप दोनों किसको मानते? नहीं मुझे देखिए ये आप ना ऐसा बिल्कुल नहीं प्लान कर सकते हो या बोल सकते हो कि कौन अच्छा है कौन नहीं अच्छा है, क्योंकि अलग अलग टाइप के डिफरेंट टाइप के गेम्स दिए जाते हैं हमको। जैसे एक बार मुझे दे दिया लव लेटर लिखने के लिए, अब मैं महाकच्चा उसमें हूँ लव लेटर में, तो कोई और ही जीत जाएगा। ठीक है अगर कुछ अलग गेम देंगे जो मेरे टाइप का है तो मैं उसको निकालूंगा। जैसे श्रीकांत सर है तो वो लोग सबके हिसाब से ही है, ऐसा नहीं है कि आपको लगेगा अरे ये तो गेम ही जीत जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब मुझे अगर दे दिया रोटी बनाने तो ये बस चली गई आउट, मैं पहले बोल दूंगा खाना बनाना हो गया। नहीं आता है। So, ऐसा होता है। या अगर बॉन्डिंग की बात की जाए तो और नजदीकियां बढ़ी है एक दूसरे के बारे में और एक अच्छे तरीके से जाने है शो के दौरान, क्या कुछ बोलना चाहेंगे? क्या लाइक एक दूसरे के बारे में और कुछ जानने को मिला है एक दूसरे को? जैसे कहते ना कि देखो गेम कभी भी, जैसे अगर आप टीम होते हो ना तो टीम कभी आप अकेले नहीं खेल सकते हो, आपको सामने वाला उसका सपोर्ट चाहिए। ये जीते उसके पहले तो मैंने कुछ किया, फर्स्ट टाइम तो ये कुछ किए, हाँ तो एक दूसरे के जैसे हम लोगों ने, मैंने जो गेम जीता भी है जैसे मेरा नाम आया कि मैंने इनको चेयर पे बिठाया ऐसा, बट उसके पहले इसने गेम जीता था, इसने गले में मेरे वो हार फेंका था, मतलब कि उसमें 10 लोगों में से 3 तुमने फेंका, 3 कुछ लोगों ने फेंका, तो जो सबसे ज़्यादा फेंका था वही सेलेक्ट हुआ था ना फाइनल के लिए, अदरवाइज ये नहीं फेंकती तो आउट था मैं उधर। तो वो एक कंपैटिबिलिटी है, तो वो सारी चीज़ें भी थोड़ा सा आपको अच्छा लगता है कि चलो हम एक दूसरे का सपोर्ट कर रहे हैं। थैंक यू।